तो अब आपके स्क्रीन पर फिर से एक सवाल मौजूद है 2019 मेंस का, जो कि 9 अप्रैल को पूछा गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, नौ अप्रैल को पहला जो सेशन था उसमें पूछा गया था। क्या सवाल है देखो, कि यूनिफॉर्म केबल ऑफ मास एम लेंथ एल इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट इट्स 1/nth पार्ट इज हैंगिंग बिलो द एज ऑफ द सरफेस टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट ऑफ द केबल अप टू द सरफेस द वर्क डन शुड बी। ये सवाल पूछा गया और सवाल बिल्कुल ही आसान है। देखो मैं बताता हूं क्या सवाल है। देखो सवाल इस तरह से, अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो ऐसा है कि जैसे ये कोई टेबल रहा होगा, है ना, और उस टेबल पर यहां रही होगी वो चेन। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये वो चेन है इस तरह से। ठीक है, लो जी, तो बोला सर वो चेन हो गई, बात समझ आ गई अपने को, है ना। तो बेटा इस चेन का जो टोटल मास है वो एम है और टोटल जो लेंथ है वो एल है। ठीक है, और जो 1/nth पार्ट है, मतलब किसका, लेंथ का जो 1/nth पार्ट है वो ऐसे नीचे लटक रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसको अगर खींच करके पूरा ऊपर लाना हो तो बोला कि बताओ कितना काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा। और कुछ भी नहीं बोला तो हमें मानना पड़ेगा कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया कार्य हमसे निकलवाना चाहते हैं। बोलो बात समझ आ गई। अरे पक्का, अब मेरी बात सुनो बेटा, आगे बढ़ो उससे पहले हमें रेफरेंस तो मानना पड़ेगा, और सवाल में तो कहीं बोला नहीं है तो अपनी मर्जी से रेफरेंस मान लेते हैं। ठीक है, सुनो मेरी बात। तो मैं कहता हूं कि चलिए मान लीजिए कि इस लेवल को ही हम लोग जीरो लेवल मान लेते हैं। ठीक है, जीरो लेवल बोल लो या तो रेफरेंस लेवल बोल लो, अरे बात तो एक ही है। तो बोला सर ठीक है, बात समझ आई, है ना। अब सुनो, तो अगर ये जीरो लेवल है तो वो जो चेन जो यहां पर पड़ी हुई है, इतने इतने पार्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो जीरो ही रहेगा, और ये जो है इसको हम लोग अभी कैलकुलेट कर लेंगे। पर बात हो रही है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की, और अभी थोड़ी देर पहले ही हमें बताया गया कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, है ना। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माने यू फाइनल और माइनस यू इनिशियल, यही होता है ना। अरे पक्का, चलो आ जाओ। तो इस सवाल को थोड़ा सा देर में बाद में सॉल्व करेंगे, पहले कुछ और बढ़िया बढ़िया बातें मैं आपके साथ करता हूं। ठीक है, अब बेटा ध्यान सुनना, पूरा फोकस यही सुनिए। तो बेटा अगर एल लेंथ में अगर टोटल मास है तो यूनिट लेंथ में कितना मास है, एम बाय एल मास है। तो बेटा एल बाय एन लेंथ में कितना मास हुआ, यह हुआ एम बाय एल इंटू एल बाय एन, एल ने एल को मार दिया तो कितना मास आया, ये आया एम बाय एन। इसका मतलब कि ये जो चेन नीचे लटक रही है इसमें जो मास है, ये जो टोटल मास जो नीचे लटक रहा है ये है एम बाय एन मास। बोलो आया, अरे पक्का, अरे सोच लो, चलो आ जाओ, अब हम सवाल को करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, सुनो आ जाओ। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये मैंने बताया, जो कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के बराबर है। बेटा फाइनली क्या होने वाला है, फाइनली ये जो पूरी की पूरी चेन है ये सरक करके टेबल के ऊपर आने वाली है। यही तो बोला कि भाई इतना वर्क डन बताओ कि चेन पूरी की पूरी सरक करके ऊपर आ जावे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बात समझ आ रही है। तो बेटा जब ये पूरी की पूरी चेन सरक करके जीरो लेवल पर ही चली जाएगी, इसका मतलब कि फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है, तुम बताओ, जीरो होने वाली है, क्योंकि जीरो लेवल पर तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही होती है। बोलो आया, अरे पक्का, माइनस। अब इनिशियल एनर्जी की बात करते हैं। बेटा इनिशियल में दो पार्ट हैं, एक तो वो चेन जो ऊपर जीरो लेवल पर ही रखी गई है और एक ये नीचे लटकती हुई चेन। ठीक है, तो जो चेन ऊपर ही रखी गई है उसकी तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो ही है, और जो चेन जीरो लेवल के नीचे है उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव लिखी जाएगी। बोलो बात समझ आएगी नहीं, जीरो लेवल के ऊपर पॉजिटिव, जीरो लेवल के नीचे नेगेटिव, ये सब बातें तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी, है ना। अब सुनो, तो ये सवाल क्या है, सवाल है कि इतना मास ऐसे नीचे लटक रहा है। ठीक है, तो मुझे तो पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो m बाय n मास है ना, ये सारा का सारा सारा सिमट के कहां रखा होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पर रखा होगा। और अगर पूरी लेंथ अगर l बाय n है तो इतनी लेंथ कितनी होगी, उसकी आधी, मतलब के l बाय 2n, ये सारा का सारा मास तो यहां रखा है। तो सवाल तो सॉल्व हो गया भाई। देखो ध्यान से देखो, मास कितना आया, ये आया m और बाय n, ओके, और साथ में g, और l की जगह क्या लिखूं, l बाय n लिखूं कि l बाय 2n, l बाय 2n अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, है ना, तो l बाय 2n। बोला सर बात समझ आ गई, है ना। तो देखो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना आया, देखो ये माइनस माइनस जुड़ करके प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम जी और साथ में एल, एल बड़ा लिया कि छोटा है, बड़ा है ना, तो एम जी एल और बाय 2n स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर, है ना।
देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, देखो देखो देखो, ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया, MgL by 2n square. बोलो कहानी समझ आई कि नहीं आई, है ना? सवाल बिल्कुल आसान है, देखो है कि नहीं. तो इसलिए आपको बताया था कि भाई आपको ये सब याद होना चाहिए, आपको अभी सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट बताया था वो पता होना चाहिए. अगर वो पता हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, और नहीं तो भाई साहब प्राण निकल जाएंगे. बोलो आया? अरे पक्का सोच लो. चलो ठीक है, इसको नोट करो एक बार बड़े रंग से, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ.